Students, welcome back to Physics Live. And in this module, we will discuss about the wave. I have told you in the previous video that what are the waves, and in this video, I will show you that how many types of waves. There are only two types of the waves. Waves jo hoti hai, ki but two types ki hoti hai. First is longitudinal. And second is transversal. They are the only two types of waves. First, longitudinal waves, and another is transversal waves. And अब हम ये discuss करेंगे कि longitudinal waves कौन सी होती हैं और transversal waves कौन सी होती हैं, ठीक है? तो अभी हम अगर अभी definition ले लेंगे, सिर्फ हम उसको practically and पिक्चराइज करके इसको सीखने वाले हैं, ठीक है? मान लीजिए ये वेव्स इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है? दिस लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ वेव. ये वेव की डायरेक्शन है, ठीक है? तो इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, आप ध्यान से सुनिए, लॉन्ग लॉन्ग मतलब लंबा 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 लंबा. हाथ देखो मेरा कैसे चल रहा है, लंबा लंबा ऐसे करिए, तो आगे पीछे ऐसे करके हाथ चल रहा है, ठीक है? आगे पीछे को क्या बोलते हैं? बैक एंड फोर्थ. क्या बोलते हैं? बैक एंड फोर्थ. ध्यान से रखना, ठीक है? द डायरेक्शन ऑफ वेव दिस इज, ठीक है? अ वेव, हम अब बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल की, ठीक है? तो अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ वेव मूव्स. देखिए ध्यान से, अ वेव एक ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल, जो वेव के पार्टिकल हैं, वो मूव करते हैं. कैसे करते हैं मूव? आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे. समझ में आ गया? आगे पीछे. प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो एक स्प्रिंग को लेंगे हम, दिस इज अ स्प्रिंग, और स्प्रिंग को छोड़ देंगे तो आगे पीछे होता है ना ऐसे करके, इस टाइप की वेव्स, ठीक है? अ वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ वेव मूव्स बैक एंड फर्थ इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन इन विच वेव इज मूविंग, ठीक है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. मतलब एक ऐसी वेव जो के जिसमें पार्टिकल्स जो होंगे वेव के, वो आगे पीछे ट्रेवल कर रहे होंगे. आगे पीछे मतलब बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग. अगर वेव आगे की तरफ जा रही है तो उसी डायरेक्शन में वो पार्टिकल आगे पीछे मूव कर रहे होंगे, ठीक है? तो इस टाइप की जो वेव्स पढ़ेंगे हम, उनको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल. एंड सेकेंड इज टोटली डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है. अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसकी बात होगी अ वेव इन विच. अच्छा, अभी जैसे इसमें समझा था वैसे समझाता हूं कि ये वेव की डायरेक्शन है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव. ये वेव की डायरेक्शन है, ठीक है? अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ वेव मूव्स. अब इसमें आगे पीछे नहीं, ऊपर नीचे, मूव्स अप एंड डाउन. अप एंड डाउन दो तरह के हो सकते हैं. अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा, ध्यान से देखिए. एक अप डाउन ऐसे हो सकता है, समझ में आया? और एक अप डाउन कैसे होगा? और एक अप डाउन होगा बच्चों ऐसे. अब आप सोच रहे होंगे दोनों में क्या फर्क था. दोनों में फर्क ये था कि जो मैंने पहला वाला बनाया था वो कुछ इस टाइप का था, और जो नया वाला बनाया था वो इस टाइप का था. हम अगर इस वाले को देखेंगे तो ये 90 डिग्री एंगल पर मूव कर रहा है अप डाउन, लेकिन जबकि ये 60 के अप्रोक्स कर रहा है, ठीक है? तो ट्रांसवर्सल वेव्स में कैसे करता है? द वेव मूव्स, द पार्टिकल ऑफ द वेव्स मूव अप एंड डाउन एट द राइट एंगल.
angle. Right angle, you know very well what is right angle. Right angle is a 90 degree angle. Okay? Right angle in the same direction in which wave is moving. इतनी सी है और अगर हम उसको पिक्चराइज करते हैं तो ये कुछ इस टाइप की ठीक है. अभी हम कैसे जान गए हैं, हम जान गए हैं दो तरह की बातें क्या कि वेव होती है दो तरह की, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्सल. लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है वेव की उसी के आगे पीछे पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे. और ट्रांसवर्सल में क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी उसके अप्स एंड डाउन 90 डिग्री एंगल बनाते हुए वो मूव कर रहे होंगे पार्टिकल. ठीक है, इफ आई विल डिफाइन इट इन इंग्लिश देन अ वेव इन व्हिच द पार्टिकल ऑफ द वेव्स मूव बैक एंड फॉरवर्ड इन द सेम डायरेक्शन इन व्हिच वेव इज मूविंग, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव. एंड द इन वेव इन व्हिच द पार्टिकल ऑफ द वेव मूव्स अप एंड डाउन एट राइट एंगल इन द सेम डायरेक्शन व्हिच वेव इज मूविंग इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल वेव. If you like this video, then share, subscribe our channel and tell to everybody as who you know, share our channel. Okay, thank you very much for watching this. And in the next video, we will discuss about the properties of longitudinal and transversal wave. Thanks for